ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। नहीं, मैंने तो इसको पहचाना नहीं। अरे जरीना, तू सच्ची मेरे को नहीं पहचानी? अरे बाबा के ये भला मुजरिम है जो मैं इसको पहचानूंगी, मुझे क्या पता। अरे ये रज्जो है, रज्जो। अरे भला रज्जो हो या खज्जो हो, भला मेरे को क्या पता। अरे चरी अंधी, ये अपने गांव की रज्जो है, चाचड़ की बेटी। चाचड़ की बेटी? इस बेचारी गरीब को क्या हो गया? वाकई तुम्हें नहीं मालूम? अरे भला मेरे को कैसे पता होगा, मैं क्या नजूमी हूँ? पिछले साल एक मुकाबला शुरू हुआ जिसका नाम है पाकिस्तान की आवाज़, ये पिछली बार उसमें जीत गई थी। पता है अब तो ये बहुत मशहूर हो गई है। बस इसी के साथ एक कॉन्सर्ट में शहर आई हूँ। क्या नाम बताया? अरे रज्जो। अरे इसका नहीं, वो मुकाबले का। पाकिस्तान की आवाज़। तो भला इसने भला कौन सी थी चीख चीख की आवाजें निकाले जो ये मुकाबला जीत गई? अरे बेवकूफ लड़की, इसने अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाया था, बस और क्या, तब से इसकी किस्मत ही बदल गई। अच्छा भला रज्जो, तुम अपनी सुरीली आवाज में कुछ गा कर दो सुना भला मुझे। इसको बता दो रजो फ्री में कुछ भी नहीं सुनाती, खास तौर पे गाना। वाह वाह वाह, क्या बात है भला। इधर तो मैं पैसे दे के बोलती हूँ गाना गाओ, मैं गाना गा रही हूँ सुनो, लेकिन मेरे पैसे लेके मेरा कोई गाना नहीं सुनता, तुम भला पैसे लेके गाना सुनाती हो, क्या बात है तुम्हारी। तुम चाहो तो मेरी तरह बन सकती हो। नहीं नहीं बाबा, बड़ी मेहरबानी। क्यों? अरे बाबा ये तो बहुत ओवर कर रही है। हाँ तो तुम अपने हिसाब से कर लेना। हाँ भला ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भला ये सब होगा कैसे? इस साल भी अभी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की आवाज़ का मुकाबला होने जा रहा है, अगर तुम चाहो तो उसमें हिस्सा ले सकती हो और बन जाओ रज्जो की तरह एक अच्छी सी सिंगर। मैं भी तैयार हो जाऊंगी, मैं अपनी भाजाई का गला ही काट दूंगी, मैं अब गा गा के इसको सुनाऊंगी, तुम देखो तो सही उस मुई के साथ में करती क्या हूँ। मोटो टिले राना, मोटो टिले, मोटो टिले राना, मोटो टिले। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बाबा बाबा हो गया। अरे बाबा क्या हो गया? अरे बाबा तुम्हारी बहन पाकिस्तान की आवाज बनने वाली है। अरे जरीना, वैसी चारों तरफ से तेरे में से आवाजें आती है, तू और पाकिस्तान की आवाज बनने वाली है। तुम बिना अपनी बेगम की तरह ना हमेशा मेरे से जलते रहते हो, देख लेना मैं पाकिस्तान की जब आवाज बन जाऊंगी तो बहुत मशहूर हो जाऊंगी। देख जरीना मेरी बात सुन, आराम से बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। अरे भला क्या हो गया? बैठ बाबा बैठ। बाबा मैं ये कह रहा था जरा ठहर जा, जरा सबर कर। जानी इधर है बाबा। आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या हो गया बच्चू भाई? जानी जल्दी से जरीना के लिए एक गिलास ठंडा पानी लाओ बाबा। खैरियत तो है, हलक में कोई फंस तो नहीं गई? अरे नहीं बाबा, इसको ठंडा करना है वरना हम सब के लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसा क्या हो गया? अरे बाबा असल में मैं पाकिस्तान की आवाज बनने वाला जो प्रोग्राम है ना उसमें हिस्सा लेने वाली हूँ, गाना गा के मैं तो बहुत मशहूर हो जाऊंगी, तुम भी देख लेना। मशहूर होने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसा के? खुदकुशी। यकीन जाने एक दफा आप खुदकुशी कर ले, खबरों में हर वक्त ऑन रहेंगे आप। जानी तमीज से बात करो बाबा, ये मेरी बहन है। मेरी भी तो है। जानी तमीज से बात करो, मेरा सिर्फ एक ही अदा, वो भी सिर्फ अदा बच्चू। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ। निकलो बाबा निकलो। जरीना एक बार फिर सोच ले, हम लोगों में ना तुम्हारा शर्मिंदा होने की हिम्मत नहीं है। जलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेगम की तरह जलते रहे तो मैं तो गा के ही दम लूंगी। दरीना मेरी बात तो सुन। अरे अदि जादू गरीबी हो बाबा, तुम होश में तो हो? उस वक्त तो मुझे भी लगा कि मैं होश में नहीं हूँ, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ वो ठीक सुन रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैडम किस बात की शर्मिंदगी?
अरे जब ये गाना गाएगी तो इसके मुंह से फूल थोड़े ना झड़ेंगे। अरे फूल कहाँ झड़ेंगे, फूल तो सड़ेंगे। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इतना भोंडा गाती है, इतना बुरा स्टाइल, कौन सिलेक्ट करेगा? मुझे तो लगता है सिलेक्शन से पहले ही रिजेक्शन हो जाएगी इसकी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बिला वजह परेशान हो रही थी। सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। मैडम आपका जानू जानी मतलब है, आपका जानी कभी कोई बात गलत बोल सकता है? जाने भाजाई भाजाई भाजाई, तुमको पता है कि उन लोगों का फोन और मैसेज आ गया और वो मेरा ऑपरेशन करने के लिए घर में आ रहे। क्या तुम अपने गले का ऑपरेशन करा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही बाबा, वो खुद ही करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी भी क्या मौत आन पड़ी है जरीना कि एक मुकाबला जीतने के लिए तुम गले का ऑपरेशन करा दोगी? अरे पापा वो तो सबका होता है ना, पहले गाना सुनते उसके बाद ही तो बुलाते हैं। ओ यू मीन ऑडिशन? हाँ वो डिशिंग डिशिंग। अच्छा ऐसा करती हूँ मैं, जल्दी से तैयार होकर हो जाती हूँ, ऐसा ना कि वो लोग यहाँ पे पहुंच ही जाए, मैं अभी आती हूँ। पहले क्या कम शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी इन लोगों की वजह से, जब और उठानी पड़ेगी। हाँ तो समझाए ना, बल्कि समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बल्कि ये तो वो बात हो गई, भैंस के आगे ढोल बजाना। ढोल नहीं बीन। अरे हाँ हाँ कुछ भी कर ले, भैंस को कौन सी समझ आएगी। हाँ इसीलिए तो मैं कह रही थी कि बाबा मैं कुछ भी गाऊं या कुछ भी बोलूं, भैंसों को भला क्या फर्क पड़ेगा। क्या तुमने मुझे भैंस कहा? अरे भाजाई मुझे तुम पे बहुत फक्र है, तुम बहुत समझदार हो गई हो। और मुझे शर्मिंदगी है तुम पर, तुम इतनी भोंडी बात के साथ गाना गाओगी, इसमें हमारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बदनामी हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाज ऐसी होगी पाकिस्तान की आवाज, ऐसा लगता है जैसे फटे हुए बांस में से हवा गुजर रही हो। देख लूंगी मैं तेरे को, देख लेना अभी मैं अपने अंदाज़े तेरी शिकायत करती हूँ, ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ देख लेना। दूध 4000 लीटर। अरे बाबा लीटर कैसे लिखते? अरे खैर है बाबा खैर है, लीटर लिखना भी मैं नहीं है, पढ़ना भी मैं नहीं, लिख देते जा। तुम्हारे लिए भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अरे बाबा ये कहा उन्होंने? हाँ बाबा ऐसा ही बोला है। अच्छा बाबा बोला तो ठीक है। देख जरीना मेरा मतलब है कि तुझे कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे बाबा गाने का मुकाबला है, बाला को कुश्ती सुश्ती थोड़ी लड़े। अरे बाबा मेहनत का मतलब है तुझे फयाज करना होगा। ये बाला फयाज को फिर मैं बाला कहाँ से ढूंढूंगी? अरे चरी फयाज का मतलब है तुझे अकेले में गाना गाना होगा, अपनी आवाज को थोड़ा बेहतर करना होगा, सुर लगाना होगा बाबा करके, उसे फयाज कहते हैं। अरे अब क्यों रो रही है? एक तो तेरा इतना अकलमंद भाई, तजर्बेकार भाई तुझे मशवरा दे रहा है कि फयाद करो और तू रो रही है। रो नहीं तो भला फिर और क्या करूं? मैं भी भला किससे मशवरा करूं जो रियाज को फयाद बोल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही खुद ही जाके रियाज करती हूँ। अरे रुक जा जरीना रुक जा, देख रियाज हो या फयाज हो दोनों भाई भाई लगते हैं ना। एक काम कर तू जहाँ जा, जा मेरी गाँव है ना वहाँ बैठ कर फयाद कर, और मेरा मतलब है रियाज कर बाबा, जा जा। रोना बंद कर आवाज खराब हो जाएगी। रोती है गाय की तरह चीखती है। ना बाबा कहाँ पहुंचा था? कुछ कुछ मीठा कुछ खट्टा खट्टा मीठा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। हाँ अब भी देखें भला कैसे गाना ये। नहीं गलत हो रहा है गलत, एक मिनट दोबारा। यार ये जानवर जुबान की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ यार मैं भी काफी देर से यही सोच रहा हूँ। यार ये आवाज तो उनके घर से आ रही है। अभी तो बकरीद भी नहीं है, फिर भी हो सकता है भैंसा बाड़ा के मालिक हैं, शायद बीमार भैंस पहले काट दियो। यार ये अच्छी बात नहीं है,
अगर इन्होंने ऐसा किया ना तो गोश्त तो पूरे मोहल्ले में बटेगा। सही कह रहा है ये। अगर गोश्त पूरे मोहल्ले में बटेगा तो वो गोश्त तो हमारे घर भी आएगा। ये भी सही बोल रहा है। इसी वजह से बीमार जानवर गोश्त खा के हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। सही कह रहा है ये। तो इनके घर चल के हमें पहले ही मना कर देना चाहिए कि वो गोश्त हमारे घर ना भिजवाएं। ये 100% सही बोल रहा है। अबे तू क्या इसकी आमे आमे ला रहा है? चल फिर चलो 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 चलो। ये थोड़ा फास्ट हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ ये ठीक है। बड़ा काकरे में ही दर्द हो गया। इतनी तेज जबान कैसे करूं? बला कौन आ गया इतनी मुश्किल से? तो मैंने सुर बनाया था। अरे कौन है बला? अरे क्या मसला है तुम लोगों के पास? कोई काम धंधा नहीं जो बार बार यहाँ आ जाते हो? हम बस इतना कहने आए थे कि आपके घर जो जानवर से बाहर रहे हो उसका गोश्त हमारे घर मत भिजवाइएगा। मेरे घर भी नहीं। सही कहे दोनों। अरे बाबा कौन सा जानवर कौन सा गोश्त? किसी की बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे वही जानवर जो आप लोग के घर में जीवा किया जा रहा है। हमारे घर में भला कोई कुर्बानी वुर्बानी नहीं हो रही, ना कोई जानवर है। अरे वही जानवर जिसके जिबा होने की आवाजें घर से बाहर आ रही है। अच्छा ठीक है मैं समझ गई हूँ। ज्यादा मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं। चलो अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अभी दोबारा दरवाजा बजे ना मैं तुम्हारी हड्डियों को सुरमा बना के आंखों में लगा लूंगी। चलो इधर से। चल भाई जानवर जानवर खुद ही जानवर होंगे जानवर। अरे बाबा मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई। मेरे को तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है। अब मुझे इसको पीना पड़ेगा। अरे नहीं जरीना रुक जा बाबा, ये क्या कर रही है? अरे अदा क्या हो गया भला, मेरे को पीने दो। अरे नहीं जरीना, इंसान उदास होता है तो ऐसा नहीं करता है। अदा की खातिर बाबा, जाने की खातिर बाबा, ऐसा नहीं करना। ये शीशी मुझे दे दो बाबा। बस करो अदा बाबा, ये मैं पी के पाकिस्तान की आवाज बनना चाहती हूँ, सबको दिखाना चाहती हूँ। अरे बाबा जहर पी कर कौन किसकी आवाज बन सकता है? जहर भला और कौन मरने वाला है? अरे बाबा ये तू जहर ही तो पी रही है, उसके बाद तू मर जाएगी। अदा ये जहर नहीं है, गले को मेरा मतलब कि आवाज को अच्छी करने की दवाई है। आज ही मैंने इंटरनेट से ऑर्डर करके मंगाई है। अच्छा बाबा मैं तो फजूल में ही डर गया था। अदा तुम भी ना वैसे बहुत बोले हो, लेकिन तुम जाओ अभी, खाम खा तुम मेरे और मेरे खाबों के बीच में आ गए। देख लेना ये दवाई पी के ना मैं तोते की तरह खूबसूरत सी आवाज में गाना ही सब गाना शुरू करूंगी, तो फिर बाबा बाबा बाबा। अरे चरी तोते की तरह नहीं, कोयले की तरह गाते हैं। चलो भला जो भी है, कोयले के तोता है जो भी है। अब मैं इसको पीऊंगी ताकि मेरी आवाज सुरीली हो जाए। अरे बाबा जानी चाय दे दे यार, कब से बोला है चाय दे दे चाय दे दे, पता नहीं किधर मर जाता है, सर में दर्द हो रहा है। हाँ बेगम आप कुछ कह रही थी। क्या कहूंगी मैं, वही एक बात, ज़रीना को समझाओ, अपना मजाक बनाना चाहती है और क्या हमारा भी मजाक बनाएगी? क्यों बाबा अब उसने क्या किया? शुक्र है तुम लाया चाय। क्या नहीं करने वाली वो, वही पाकिस्तान की आवाज ऑडिशन गाना पता नहीं क्या क्या। अरे मैडम आपको कितनी बार समझाया, फजूल में टेंशन ले रही है। वो ज़रीना को सिलेक्ट करेंगे तब की बात है ना, वो तो ऑडिशन में ही रिजेक्ट कर देंगे, फिर काहे की बंदा में। वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर भी। बस बाबा बस, अब इस मसले का हल हो चुका है, अब वो शर्मिंदगी का नहीं फखर का बाइस बनेगी। देखा बच्चू साहब तो हमारे साथ है, आप एमी इनको जाहिल गंवार और पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। जाने मेरा मतलब है कि बच्चू भाई जो है वो हमारा भी सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वो उसी का ही सोच रहे हो। वेरी गुड बच्चू, बहुत अच्छा किया जो उसे इस मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। अरे बाबा चुप करो तुम दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, उसने एक दवाई मंगवाई है वो उसने खा भी लिया है बाबा, और अब देखना उसकी आवाज जो है ना बिल्कुल कफे मेरा मतलब है कोयले जैसी हो जाएगी, और फिर तुम सबको ना शर्मिंदगी नहीं होगी, फखर होगा उसमें देखना। अरे बाबा ये चाय बनाई है तुमने, रखो इसे मैं जा रहा हूं। भला बताइए कफे को दूध में जितना भी लाना है वो बगला थोड़ी हो सकता है? पता नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लो इतनी मेहनत से मैंने चाय बनाई पी भी नहीं और चले गए। मैडम टीवी तो लगाए जानी।
आप तो माइंड कर गई। ये ले, आप जब तक ये चाय पिए मैं कुछ जरूरी काम करके आता हूँ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भाई वो अच्छा गाने वाला इधर कहीं कोई रहता है? जी जी, गाने वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? खैरियत से? ना जे रे ना ना जे रे ना 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 रे ना ना ता ना जे रे ना। रिजेक्ट नहीं चलेगी ये बात, नहीं चलेगी। किससे मिलना? क्यों हिलना है? क्या जलजला आ रहा है? हिलना जरूरी है क्या? मतलब कौन हो भाई, कौन? हाँ कौन, अब चाय के साथ बिस्किट वगैरह के साथ पॉपकॉर्न भी चलेगा भाई, सब खाएंगे। चलो चलो अंदर, चलो जल्दी चाय लगाओ। बात तो सुनो, बात तो सुनो, बात सुनो। अरे आओ मियाँ। वाह वाह वाह, क्या सुरीला घर है, लोग भी सुरीले होने चाहिए। लगता है सीमा मैडम के पास इसका हल है, उन्हीं को बुलाता हूँ मैं। हाँ अब की ना आपने बात। भाई हम हैं जज, पाकिस्तान की आवाज की बेहतरीन आवाज चुननी है हमें। घर घर जाके पूरे पाकिस्तान में ऑडिशन कर रहा हूँ, बेहतरीन आवाज चाहिए मुझे। आवाज की बात कर रहे हैं ना? अरे वो भी देख लेंगे यार, ठीक है? तो आइए आइए आइए, जब अच्छी होगी तो आवाज भी अच्छी होगी। आइए आइए, है ना भाई? पापा सर्दी ज्यादा हो गई है बहुत। मैडम मैडम, क्या हो गया? वो आए हैं पाकिस्तान की आवाज के ऑडिशन जज। अरे वाह बाबा, ये तो अच्छी बात है, काम करो, उनको बिठाओ, मैं जरीना को बुला कर आता हूं। ठीक ठीक है बाबा। मैडम आप भी चले ना। मैं नहीं आ रही सर्कस देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ चले आप, इस दफा एक तरफा नहीं दो तरफा सर्कस देखने को मिलेगा। आइए आइए। अच्छा तो आप है पाकिस्तान की आवाज के जज? जी जी, अल्लाह ने चाहा तो सआदत देगा अल्लाह, तो इंशाल्लाह हज भी करूंगा जरूर। हज नहीं जज। जी हाँ, हर मुसलमान को करना चाहिए, हज बहुत बड़ी सआदत है। आप ऊंचा सुनते हैं? जी 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 जी, मैं ही जज हूँ, पाकिस्तान की आवाज का जज हूँ मैं। ठोक बजा के टैलेंट निकालता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ टैलेंट ढूंढने के लिए। मगर आपसे माजरा चाहता हूँ, आप बहुत बुरा गाती हैं, आप मेरी तरफ से रिजेक्ट करें। अरे बाबा जानी सीमा, वो जरीना की आवाज बाबा। फिर बोंडी हो गई? अरे बाबा बकवास बंद करो, तमीज से बात किया करो बाबा, उसकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई है। अबे वाह, लड़का भी सुर में गा रहा है भाई। लड़का? हाँ ये वाला दोबारा का दोबारा। अरे बाबा तुम भी चुप करो बाबा। अरे बहुत अच्छे। ये है टैलेंट, ये होता है टैलेंट। क्या आवाज है भाई वाह, क्या सुरीली आवाज पाई आपने भाई। देखिए ये होती है आवाज। अरे बाबा तुम बहरा हो गया क्या? ऐसा सुरी लगाया जाता है, ये आवाज होती है। देखिए आप इनके गले के अंदर तो सुर यहां से वहां लहर रहे हैं भाई वाह। ये पॉप सिंगिंग क्लासिकल सब कर सकती हैं भाई। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप ही वो अहल आवाज हैं जो पाकिस्तान की आवाज बनेगी एक दिन। वाह दोबारा गाइए भाई। वाह मेरा काम तो हो गया, आज का दिन कमाल था, ऐसी सुरीली आवाज मिली है, वाह वाह वाह। भाई मैं जा रहा हूं अब, मैं इंशाल्लाह आपको फोन करूंगा, बल्कि मेरा कोऑर्डिनेटर आपको फोन करेगा और शो से एक दिन पहले लाइन अप करेगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का वास्ता, निकल जाए आप। ना कर मेरे बच्चे, मुझे चाय पे कोई ऐसे रोकते ना मैं रुक जाता हूँ। चल बैठ रहा हूँ, चाय मंगा। नहीं 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 नहीं, जाए आप। अच्छा ठीक है भाई, एक दफे दोबारा गाइए। ओह आहा आहा वाह वाह, सीधा गाइए। आहा अरे बाबा बात तो सुनो, तुम तो खामोश ही रहो। तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको कितना फायदा हुआ है। मैं तो कहता हूँ प्रोग्राम में भी यही दवाई पी के जाना।
अरे बाबा तो मुसीमा को ताली मारता है। अरे हम कह रहा है कि वो आदमी था, तुम कह रहा है कि वो तुम था। तो मैं आपको आदमी नहीं लग रहा? नहीं, तुम ऊपर से हमको आदमी लग रहा है, लेकिन तुम्हारा लहजे में थोड़ी लचक है। ये मास्टर साहब को ले आया सीमा मैडम। मास्टर साहब, लेकिन मैंने तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना। अरे हम वो वाला मास्टर नहीं है, हम फर्नीचर का मास्टर है। अच्छा अच्छा, मास्टर साहब आप यूसुफ को ट्यूशन पढ़ाते हो ना? और ये तुमने आंटी किसको कहा? अच्छा बाजी। बाजी? अरे अरे अरे, तुम तो मेरे से रिश्तेदारी बना रहे हो। अच्छा खाला। मास्टर साहब हमें ये सारा सामान बेचना है, बिक जाएगा ना? हाँ बिक तो जाएगा। अच्छे पैसों में बाबा। नहीं नहीं, ये सब कचरे में जाएगा। कचरे में बाबा? अच्छा ये बताइए कि हम आपको दिखने में कैसा लग रहा है? बहुत ही बेसुर है। मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा मुंह है ना, वो बिल्कुल कुर्सी जैसा, और ये जो सूखी सूखी टांगे है ना, ये पाए जैसी, और ये जो तुम्हारा इतना बड़ा सर है ना, ये हमारे घर में जो साइड टेबल है ना, उस जैसा। भाई बहुत खुशकिस्मत आदमी है आप। आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली, हमें भी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? थाने में। थाने में? बाबा तुम आदमी ठीक नहीं हो, फर्नीचर डालने आए हो या डोरे डालने आए हो? हमारा आंटी है, बड़ा मिस्कीन है बेचारा, बड़ा मासूम है, उनका काम आ जाएगा। अरे बाबा तुम तो अमीर है ना, जाओ तुम दे दो। अब हम जा रहा है, ठीक है, हम तुम लोगों को ना देख लेगा। अरे बाबा हम तुमको नहीं देखेगा, पकड़ो इसको। इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा।